आम आदमी पार्टी के महरौली विधायक नरेश यादव के काफिले पर हमला किया गया है। जब नरेश यादव मंदिर से वापस आ रहे थे, उनके काफिले पर अरुणा आसफ अली मार्ग पर हमला किया गया। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि आरोप और मृतक के बीच निजी दुश्मनी थी। आरोपी के भतीजे को 2019 में गोली लगी थी, जब उस पर हमला हुआ था। आरोपी को शक था कि 2019 की घटना के पीछे मृतक का हाथ था। 15 दिन पहले भी आरोपी ने मृतक को धमकी दी थी। आपको बता दें कि नरेश पर गोली से हमला उस वक्त हुआ जब वह चुनावी नतीजे आने के बाद मंदिर से वापस लौट रहे थे। नरेश को किशनगढ़ में हुए इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। घायल को फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तरफ आ रहे थे फोर्टिस रेड लाइट के पास में ही, तो मैं आगे की सीट में खड़ा हुआ था, आगे की तरफ में करके, और आगे थोड़ी कुछ एक दो गाड़ियां थी रुकी हुई थी, तो पीछे से अचानक आवाज आई पट पट कट की, तो हमें लगा कि शायद पटाखे उठाके हैं, क्योंकि बीच में भी पटाखे एक दो बार छूटे थे। तो फिर एकदम से जो ड्राइवर था उसने गाड़ी लेफ्ट को घुमा दी, उन्होंने कहा भाई गोली चली है। तो हम लोग नीचे की तरफ बैठ गए, भागी गाड़ी भगाई, और उसके बाद में वो मेरे को दूसरी गाड़ी में इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया, ले जाके वो दूसरे रूट से ले जाके वो मेरे को घर तक लेके गए। तो बाद में पता चला कि वो उस दूसरी वाली जो गाड़ी थी उसको सीधा ये हॉस्पिटल लेके आए। तो उसमें फिर काफी लोग थे पीछे बैक साइड में, तो दो लोगों को उसमें गोली लगी, जिसमें कि अशोक मान जी की डेथ हो गई है, और एक हरिंदर है वो घायल है, उनको भी गोली